अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हम भी ठीक हैं जी। तो आज हमने कुछ ख़ास शूट नहीं किया क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं था। आज मैं सारा दिन कुछ मसरूफ़ था काम में, घर का काम करता रहा हूँ। तो बारिश की वजह से जो थोड़े थोड़े खड्डे बने हुए थे वहाँ पर हमने मिट्टी डाली है तो उनको बराबर किया है, तो वो बुरे लग रहे थे। वो आप लोगों को वो भी हम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये बारिश की वजह से हमारे कमरों के पीछे ये ऊपर छत से पानी आता था तो उनकी वजह से नीचे बड़े बड़े और गहरे जो है ना खड्डे लग गए थे। उनको आज सारा दिन सीधा किया है, मिट्टी यहाँ से उठाकर कमरों के पीछे लगाई है। ये देखें, ये सारा दिन हमने यही काम किया है और यही काम करते रहे। अब देखें ये कितनी प्यारी जगह लग रही है। और ये हमारे पौधे, और एक ये देखें, ये हमने यहाँ पे भेजा था पौधा और इसके ऊपर देखें फूल कितना प्यारा लगा हुआ है। ये देखें, और भी इसके ऊपर लगेंगे क्योंकि इसके छोटे छोटे ये देखें ये इनके ऊपर लग रहे हैं अभी। ये देखें ये तो बहुत प्यारा लग रहा है फूल। और एक ख़ास बात, हमारे रास्ता जो है ना बिल्कुल क्लियर तो नहीं हुआ लेकिन माशाल्लाह पानी सूख गया है कुछ, अभी यहाँ से बंदा पैदल जा सकता है। ये देखें देखें, इसमें इतना पानी खड़ा हुआ था आधा आधा फुट पूरा, अब देखें ये पानी सूख गया। आगे वाली सड़क चल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे कितना पानी खड़ा हुआ है। अभी वहाँ का पानी जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल में 2 हफ्तों के बाद ही सूखेगा यहाँ से। देखें ये देखें, ये रास्ता हमारा 2-3 दिन तक जो है ना क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखें, इतने से रास्ते से हम कहीं काम जाना हो या बाज़ार जाना हो, कोई मसला हो, पानी भरना हो, क्योंकि पानी हम भरते हैं थोड़ा दूर से तो इसीलिए ना इसी रास्ते से हम जाते थे। ये देखें, अब ये देखें जी, इसमें अभी बहुत पानी खड़ा हुआ है। ये तकरीबन इसको 2 हफ्ते से ऊपर ही लगेगा। ये देखें, वो सामने घर नज़र आ रहे हैं आपको, और ये देखें 2 हफ्तों से भी ऊपर लगेगा इसको सूखने में। और ये देखें, यहाँ से हमारे घर को रास्ता जाता है और यहाँ से इधर जो सामान शामान लेने जाते हैं, दुकानें वगैरह शॉप हैं इधर, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये देखें, ये रास्ता हमें बाज़ार का लगता है, बाज़ार जाना हो तो। इसमें देखें कितना पानी खड़ा हुआ है, वो देखें। और ये देखें, ये गन्ने जिसको आप कमाद बोलते हो या जो कुछ मर्जी बोलते हो लेकिन हमारी ज़बान में तो इसको गन्ना बोलते हैं, और इससे गुड़ भी बनता है और चीनी भी बनती है इससे। देसी चीनी हो गई जिससे हम चाय बनाते हैं, ये हो गई शक्कर हो गई, ये उससे बनते हैं। दिखाते हैं आपको आगे चल के, ये देखें गन्ने तैयार हो गए हैं। अभी मैं अपने घर से तकरीबन 2 से 2.5 एकड़ दूर खड़ा हुआ हूँ। देखें ये रास्ता हमारा, हमारे घर का जो 2 से 2.5 एकड़ का रास्ता है वो तो 2 दिन में सूख जाएगा, लेकिन यहाँ से देखें इसमें अभी इतना पानी खड़ा हुआ है कि ये
तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इसको सूखने में। और इस तरफ भी देखें, ये देखें, इस तरफ भी यही हाल है क्योंकि बारिश का पानी अभी तक बहुत खड़ा हुआ है इधर। और ये देखें, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। और ये देखें, ये हमारे चावल, और सड़क में देखें पानी, इसमें तो थोड़ा थोड़ा खड़ा हुआ है। और चावल माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हुए हैं, ये भी तकरीबन 1 से 1.5 महीने में ये तैयार हो जाएंगे, फिर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी अपने घर पे पहुंच चुका हूँ। ये देखें, ये है अमरूद का पौधा, और इसके नीचे लगाया हुआ है हमने चमेली का पौधा। इसके ऊपर चमेली फूल लगते हैं, इसके ऊपर सफ़ेद कलर के, ये देखें। और ये देखें, ये मेहंदी है, ये हमने वो अपने पुराने घर से जो है ना वहीं पे बीजी हुई थी, तो वहाँ से हमने इसको मतलब जड़ों समेत निकाल के इधर लाए थे, तो इधर हमने लगाया इसको। तो ये बड़े जो पौधे हैं इनको तो हमने बाज़ार से लाए थे। और इनके ऊपर भी ये देखें, इनके ऊपर भी फूल लगते हैं लाल, ये अभी निकल रहे हैं। ये देखें, ये आम का दरख्त, क्योंकि यहाँ ये इलाका है थोड़ा सेम वाला, तो इधर दरख्त बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो और ये देखें, ये एक जामुन का पौधा खड़ा हुआ है, ये कल इंशाल्लाह इसको यहाँ से निकालेंगे, इसका चारों तरफ से खड्डा बनाएंगे, खड्डा बना के फिर इसको निकालेंगे नीचे से, कहीं और नई जगह पर जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे पौधों के नीचे जो है ना दबा हुआ है ये, इसीलिए नहीं हो रहा। और ये देखें, ये बैंगन का पौधा दूसरी तरफ से, जहाँ पे हमने जामुन के पौधे बीजे हुए हैं और जहाँ पे हमारा मतलब नलका खड़ा हुआ है पानी वाला, तो वहीं पे यही था। तो वहाँ पे ना इसको पता नहीं बीमारी लग गई थी, पता नहीं क्या, तो इसीलिए मैंने वहाँ से इसको निकाल के यहाँ पे बीजा है। इसकी एक साइड जो है ना ये वाली सूख गई है, और इसकी एक टहनी जो है ना ये वाली देखें, ये अभी शाखें निकाल रही है। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।